कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करते हैं लोहा बाजार के बारे में। आज जानेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है टीएमटी सरिये में, क्या कीमतें चल रही हैं। जिंदल ब्रांड में टीएमटी सूत में बाजारों में नरमी के साथ कारोबार देखा गया है। इंगट को देखते हुए बाजारों में जुलाई महीने की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। और मार्केट में अगर कीमतों के बारे में अगर बात करते हैं तो ब्रांडेड कंपनी जिंदल में खास तौर से 206 में टीएमटी का रेट 62 रुपये पर किलोग्राम रहा। 208 में टीएमटी कीमतें 62 रुपये पर किलोग्राम देखी गई। 310 में टीएमटी का रेट 60.80 रुपये पर किलोग्राम रहा। 412 में टीएमटी कीमतें 58.40 रुपये पर किलोग्राम देखी गई। 516 में टीएमटी का रेट बाजार में 59.60 रुपये पर किलोग्राम आप देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा 620 में टीएमटी कीमतें 59.60 रुपये पर किलोग्राम रही। और 825 एम टीएमटी का रेट भी बाजारों में आप 59.60 रुपये पर किलोग्राम देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल आज का ट्रेंड बाजारों में जो आपको देखने को मिलेगा वो निगेटिव ही नजर आ रहा है। इंगट का लेवल 47,000 के काफी नीचे इस वक्त देखा जा रहा है, जिसको देखते हुए टीएमटी सरिये में भी और इंगट से जुड़े जितने प्रोडक्ट हैं सब में गिरावट देखी जा रही है मार्केट में। रिटेल इन्वेस्टर के लिए आने वाले समय में हम आपको वेट एंड वॉच करने की सलाह जरूर देंगे। बाजारों में आप इंतजार करके चलिए, क्योंकि काफी गिरावट देखी जा रही है। मुनाफा वसूली की वजह से नरमी आई है सूद में भी। अब मार्केट में अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं और इस रेट से जो हमने आपको रेट बताए हैं इनसे खरीदारी करते हैं तो आपको 3 से 4 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से टीएमटी सूद बाजारों में महंगा मिल सकता है। तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।